This conference will now be recorded. यस चलो, होप एवरीवन फाइन। और कार्तिक बढ़िया है तो? हेलो गुड आफ्टरनून बेटे, कैसा है? तो अन्य माइक चला कि नहीं चला अभी वीडियो? सो वी वर सपोज टू स्टार्ट विद केमिकल सर। प्रॉपर। हेलो वेदी, कोई बात नहीं, अगर नहीं चला ना चिंता मत करना, बस जितना चलता है उतना बात करता रहा, है ना? तो टेक्नोलॉजी को यूज कर, रिकॉर्डिंग विल बी एज गुड एज ओरिजिनल क्लास। तो एनी गुड़िया, हमने शुरू करना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। एज वी स्टार्टेड देर विल बी थ्री ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी पोलर होगा, तो यहां से जो एच निकलेगा एज एच प्लस निकलेगा, हम इसको एसिडिक प्रॉपर्टी में डालेंगे। और को तोड़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ओ एच बाहर जाएगा, एसएन प्रॉपर्टी। और इसमें मेजर रिएक्शंस आप कर चुके हुए हो, PCl5, SOCl2। और मिसलेनियस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऐसी बात करने वाले। जस्ट गो थ्रू दैट वंस अगेन। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस विल कम, एच पॉजिटिव विल गो, वी विल फॉर्म आरओ नेगेटिव। जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, और इक्विलिब्रियम आगे जाएगा ए बढ़ेगा, टू इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर, करेक्टर इंक्रीज करेगा। OH एक भीट लीविंग ग्रुप है, OH। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको प्रोटोनेट करके OH2 पॉजिटिव में ले आएंगे। देन OH2 पॉजिटिव विल बी एन इजी लीविंग ग्रुप, और वो आसानी से बाहर चले जाएगा, और हमारे पास R, गलती से बोल गया, द पॉजिटिव चार्ज आसानी से बन पाएगा। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अश द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। गुड़िया अश, आई अज्यूम मैं जनरलाइजेशन में गुड़िया एच ए लिख रहा हूं, वेयर ए कैन बी PHO, ए कैन बी RO, राइट, ए कैन बी RCOO नेगेटिव एंड सो ऑन। ये ऑर्गेनिक चीजें हैं तो ये ज्यादा तो फॉरवर्ड में जाते नहीं है, सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म एच प्लस एंड ए नेगेटिव। द मोर स्टेबल ए नेगेटिव, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बार बार अब आने वाला है, के ए बढ़ेगा, यस अर्शी, पी के कम होगा, एंड गुड़िया एसिडिक बढ़ने वाला है। एंड मैं आपको अभी सिर्फ अल्कोहल्स की एसिडिक करेक्टर नहीं करवाने की कोशिश करूंगा, मैं उसके साथ फिनोल्स भी डालूंगा, मैं उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी डालूंगा। सो दैट मींस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन सिंपली ऐड कि हमने कहाँ पे किया है। एवरी टॉपिक इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सो यू शुड कॉपी एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दैट। द फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, द अल्कोहल वर्सेस वाटर। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वाटर को ऐसे लिखा है। See, ROH is going to give you RO negative. इसका नाम क्या था? एल्क ऑक्साइड along with H plus. और अगर वाटर डिसोसिएट करे, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू OH नेगेटिव एंड एच प्लस। नाउ वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ एच प्लस। अब इन दोनों को देखें, सो दिस R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इंक्रीज्ड नेगेटिव चार्ज, और इन कंपैरिजन आप अगर इसको देखें, सो देयर एच इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव चार्ज। हेंस द दिस विल बी अनस्टेबल, दिस विल बी स्टेबल। तो अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल इसके और 100 मॉलिक्यूल्स इसके हुए,
दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट, ऐसे ही बोल दिया, से 10. दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट, से 50 आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड. क्लियर बेटिया? सो विच विल डिसोसिएट मोर? नीचे वाला. एंड हेंस द वॉटर इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, मोर एसिडिक, गलत बोल गया, देन वट, देन अल्कोहल्स. डू यू अंडरस्टैंड बेटे? तो आज जस्ट वेरिफिकेशन कह लो या आपके पॉइंट चेक करते हैं. आई वॉन्ट यू टू डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स. यू कैन चूज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज यू नो एंड आई अंडरस्टैंड. मुझे ये आपसे सुनना है, क्यों वॉटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बेटे? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल, OH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है RO नेगेटिव से, बिकॉज RO नेगेटिव के अंदर R का प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है और वो अनस्टेबल हो जाता है. OH नेगेटिव में यू विल से RO नेगेटिव बिकम्स अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू. ओके सर, विद रिस्पेक्ट. हां, कंपैरिजन देख, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? सिंपल लैंग्वेज स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट, मेरी कमीज तेरी से सफेद कैसे? सो इट इज अ बेटर वर्ड. वी आर कंपेयरिंग द टू टर्म्स, है ना गुड़िया? सो यू आर राइट. सो बी लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड हेंस दिस विल बी फॉर्म्ड इन लेसर क्वांटिटी, दिस विल बी फॉर्म्ड इन मोर क्वांटिटी, एंड द वॉटर इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. अच्छा, दो चीज. पहली बात तो किसी शराबी को बताना नहीं कि वॉटर इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, बिकॉज अगर उसको पता लग गया तो आपको पता नहीं क्या होगा. वो कहेगा फिर तो मैं, अगर वॉटर एसिडिक नहीं है तो अल्कोहल कम एसिडिक है तो मुझे ज्यादा अल्कोहल पीना चाहिए. ठीक है, बट गुड़िया एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर एंड एक्सेप्शन आर नॉट, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. जस्ट वैसे ही रखा जाता है. मिथेनॉल is more acidic than water. All other alcohols are going to be, yes Ash, less acidic. This is factual information, don't forget it. Right? Exceptions संभाल के रखने वाले होते हैं, but याद रखना exceptions quote नहीं करते हैं. तो अगर हम आपसे पूछें alcohols are less acidic than water, you will say yes. You understand? Because this is going to be the general thing हमारे पास आ जाएगी. Good video, बहुत बढ़िया. चल अब आगे चलते हैं. Now the second discussion is between 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Between 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Let this be 1 degree. This be 2 degree alcohol, and this is going to be some the 3 degree alcohols, right? तो अब हम प्रोटॉन दिखाते नहीं है, RCH2 negative. This is going to be R2 लिख दूं, समझ आएगा? Yes. O negative. And ऐसे भी समझ आएगा गुड़िया, O negative. अब यहां पे प्लस आई इफेक्ट एक R की वजह से है. यहां पे प्लस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीज. अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज. एंड हियर द प्लस आई इफेक्ट इज व्हाट? मैक्सिमम. सो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? मैक्सिमम. मैक्सिमम हियर. मैक्सिमम इज गोइंग टू बी व्हाट? लीस्ट स्टेबल. लीस्ट. And this is going to be most stable in comparison to each other. Okay. Now, अगर मैं कि आपको 100 molecules दूँ, तो this is going to dissociate max, less and least. So इधर जाते हुए, the Ka decrease, the pKa increase. That is, acidic character क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. सो 1 degree, 2 degree, 3 degree अल्कोहल्स. इज इट क्लियर सन? आगे जा सकता हूं? यस. सो
दस द रेपिटेशन बिटिया सेकंड हमने कंपेयर किया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल्स एरोमेटिक अभी बाद में आएंगे फिनोल्स. सो द सेम थिंग विच यू डिस्कस विद मी फ्यू मिनट्स अर्लियर इधर एक आर दो आर तीन आर द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज मेकिंग एल्कोक्साइड आयन. ये गलत है. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट एल्क एल्को ऑक्साइड अनस्टेबल. हेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में द एसिडिक करेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. क्लियर सर? तो मुझे बस यस एक बार सर बता दीजिए जिसका माइक चलता है. आई विल नॉट कॉल अदर्स सो फॉर द सेक ऑफ आई विल नॉट टू डिस्टर्ब देयर प्राइवेसी. सो दो तीन बंदों का माइक मुझे पता है तो मैं उनसे बात करता रहूंगा. तो आप अपने आप बोलेंगे तो मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लूंगा, बाकियों का नाम नहीं मैं लूंगा. सो थर्ड इज गोइंग टू बी, आप म्यूट भी कर सकते हैं गुड़िया, म्यूट भी कर सकते हैं, आप अपनी उस पे ईज पे रहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स. सी अभी ये अल्कोहल्स अल्कोक्साइड आयन एच प्लस तो डिस्कस किया, अब हम आपसे डिस्कशन में लेके जाएंगे द फिनोल एंड फिनेट आयन किस प्रकार से बिहेव करते हैं. सो द डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट ऑल दो दैट हैज बीन रिटन देयर ऑल्सो बट आई वुड लाइक टू डिस्कस माई सेल्फ. तो इफ यू रिमेंबर दैट जब भी बेंजीन नाम की चीज होगी तो उसके ऊपर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले. तो दैट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू ऑलवेज ड्रॉ द स्केलेटन्स एंड देन यू कैन डिस्कस द इफेक्ट. तो जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं द फिनेट आयन. डोंट ड्रॉ एनी बॉन्ड टू बी डबल आफ्टर फर्स्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट में आप दिखा सकते हैं बिकॉज रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रेवल्स which makes the position of the double bond move. So it is better that we do not write the double bond. So let's start with phenol. Phenol हो या phenate आयन दोनों के ऊपर लॉन्ग पेयर होता है. So they are going to create plus M effect, right? This electron goes there, here. This electron goes here, you will get a negative charge at ortho position, positive charge at oxygen. Remember, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब डेफिनेटली अनस्टेबिलिटी लेके आने वाला है. नाउ रेजोनेंस इज ओनली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो पैरा पोजिशन. दिस इज गोइंग टू हैपन. देन ये पैरा से ऑर्थो पे आता है, वी गेट नेगेटिव चार्ज. हेयर हेयर द पॉजिटिव चार्ज इज रिस्टोर्ड. द इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न्ड बैक. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू गेट नाउ न्यूट्रल. ये वी हैव इन टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल फिनेट आयन. वैसे तो यहां पे 3 लोन पेयर हैं बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जहां पे चेंज नहीं होता है वो हम नहीं दिखाते हैं. तो फिनेट आयन हैज अ नेगेटिव चार्ज. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये जो बॉन्ड है यस ये सर हाइड्रोजन ले लिए थे नंदनी. सो हाँ जी नंदनी सर दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर डल. यहाँ हाँ पे जी न्यूट्रल आएगा ना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया. दिस हाँ जी इज सर टू गेट लोन नेगेटिव. नंदनी इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस सिर्फ कहाँ कहाँ रहता है? ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन और कहीं पे रेजोनेंस आती नहीं. तो यहाँ पे द नेगेटिव चार्ज विल कम. ऐसा तो ये थोड़ा सा साथ में जुड़ गया. अब वापस आने वाला है और यहाँ यस पे सर
डिस्चार्ज घूम के आगे. सो यस सर. आर द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनोल, नीचे वाले फिनेटा. ऊपर देर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नीचे भी फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डिफरेंस तो लिखने की जरूरत है, जो सेम है उसको क्यों लिख. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज व्हाट चार्ज सेपरेशन, एक चीज. दूसरी चीज, ऑक्सीजन तो एक पहलवान है पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ऑक्सीजन हैज कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज अ साइन ऑफ अनस्टेबिलिटी. ठीक. यस. यहां एक फैक्टर, देयर इज गोइंग टू बी नो चार्ज सेपरेशन, बढ़िया चार्ज सेपरेशन के लिए ये बनाएंगे. सेकंड इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, उसके कंपैरिजन में बोलते हैं डज नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज, डज नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस में तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी देयर. सो दीज टू सिचुएशंस मेक्स, आपके मुताबिक फिनोल और फिनेट आयन या फिनोक्साइड आयन इसका दूसरा नाम है, विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. डोली बोल, इसमें और इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है? फिनेटाइन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू दिस विच इज गोइंग टू लेस स्टेबल. देयरफॉर कैन आई से द फिनेट आयन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड एल्कोक्साइड आयन, वो तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या बन गया था, अनस्टेबल. अनस्टेबल ऑक्साइड आयन इज अनस्टेबल, इसमें तो आर प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा था, जबकि आपने इसमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया है. सो विच इज गोइंग टू बी डॉली मोर स्टेबल, द फिनोल. एक बार दोबारा नंदनी, इसमें और इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, जल्दी करना. तो सेकंड वाला ये वाला दोबारा सुन, इसमें और इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? ROH. ROH. नंदनी समझ आया, क्योंकि गुड़िया इसमें तो नेगेटिव. हां जी ये न्यूट्रल है. यस सर. नंदनी आपने गलती की, दोस्तों सुधार. अल्कोहल और एल्कोक्साइड में से कौन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? अल्कोहल, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि उस पे नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और वो न्यूट्रल है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. अब सोच, स्कूल में वर्ड्स डालने तो पड़ेंगे. पहला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा कि बैकवर्ड रहेगा? बैकवर्ड रहेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा. गुड. अब दूजे वाला इक्विलिब्रियम, दूजे वाले में से फिनोल और फिनेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनेट. तो ये वाला इक्विलिब्रियम कहां रहेगा? बैकवर्ड में भी. दोबारा बोल, ये वाला इक्विलिब्रियम कहां रहेगा? सोच अगर मैं दोबारा. अरे नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फॉरवर्ड में रहेगा. ओके ठीक है. स्लो हो जा, सबको दिमाग से क्लीन कर दे, स्लेट साफ कर दे. ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो तुम किसकी तरफ जाओगे? मोर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे? हाँ जी. मोर स्टेबल का मतलब एनर्जी कम, तो अगर तेरे को पहाड़ के ऊपर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और फुटबॉल में आपको एक बॉल में डाल दे जहां पे नीचे एनर्जी कम है, तो तू कहां रोल करेगा? नीचे की ओर. मोस्ट. यस सर. इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले में से? इक्विलिब्रियम कहां रहेगा? फॉरवर्ड में. फॉरवर्ड में. इसका जो के ए होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ, याद मत करना, ऐसे ही बोला, काट दूंगा क्योंकि डाटा मुझे याद नहीं है अभी. और जब इसका के ए होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ -18, हालांकि ऊपर वाला डाटा मुझे याद है, ये शायद -10 होता है. एनीवे याद मत करना. तो अल्कोहल्स आर गोइंग टू बी लेस, फिनोल्स आर गोइंग टू बी
जी गुड़िया, मोर स्टेबल, एसिडिक, मोर स्टेबल। मोर एसिडिक। उसके पीछे रीजन वही है जो तुमने मुझे बोला है, यही तो कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले। द फिनोल हैज सॉल्यूशन, ऑल्सो द फिनोल हैज द पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन ऑक्सीजन एटम, जबकि फिनेट आयन हैज नो चार्ज सेपरेशन एंड ऑक्सीजन डज नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, एग्रीएबल, नो प्रॉब्लम। यस सर, तो नो अगर सर। चीज मैं यहां बोलूं तो भी चलेगा, लेस स्टेबल हाँ जी, एंड टू बी मोर स्टेबल, ठीक, नो चार्ज सेपरेशन। अब याद कर, कभी किसी समय तुम लोगों को रेजोनेंस में कराया गया था दैट, अर्श याद कर गुड़िया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जो लोग बात करना चाहे बीच बीच में हेलो कर दिया करें, बेशक माइक के डिस्टर्बेंस है, बस मुझे हेलो करके चले जाया करें, सो मेरे दिमाग में आ जाएगा, हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर हाईली स्टेबलाइज्ड इन, कार्तिक यस सर, हाईली स्टेबलाइज्ड, इसको भूलना मत, जहां भी कहीं पे भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे। देख भाई, ये देखो बेटे, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिमाग पे जोर डाल के बताए, आपको सिखाया गया था द, अच्छा चलो अगले पेज पे बना लेते हैं, डोंट वरी, इकट्ठे ही बनाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बस वैसे ही आपको बताया, तो रिपीट करना चाहूंगा। तो सोच के बताओ, रेजोनेंस में क्या सिखाया गया था, मूव डबल बॉन्ड टुवर्ड्स लॉन्ग पेयर और पर लॉन्ग पेयर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। अगर पर भूल गया तो मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा। लोन पेयर टू डबल बॉन्ड, अरे वेरी गुड कार्तिक, बिल्कुल ठीक बोला। तो कार्तिक ये इधर जाएगा ना बेटे, यस सर, तो अगर इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज दूं, नेगेटिव, और इधर डबल बॉन्ड बना रहे, यस सर, बस सोच के जवाब देना, सीएस का मतलब चार्ज सेपरेशन है कि नहीं है सर, वेरी गुड, मुझे भी यूज करना है, तो इक्विवेलेंट के नॉन इक्विवेलेंट मेरे ऊपर यकीन मत करना, हाँ अगर तुम ऐसे पूछेगा राजा तो सही जवाब दूंगा, पहले आपको सोचना होगा। इक्विवेलेंट के नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये, इसको वन बोल रहा हूँ, इसको टू बोल रहा हूँ, यस, अब जो भी बोलेंगे उससे, वेरी गुड, उससे आपको फायदा होगा, बिल्कुल सही बोला दोस्त, बिल्कुल सही बोला। अब इसमें से ये प्रोटॉन उखाड़ देते हैं, तो ये कार्तिक याद रखना, हम वो कोई चीज दिखा नहीं रहे हैं जहां पे चेंज नहीं होगा बेटे, सो दैट इज जस्ट गोइंग टू एड अननेसेसरी बैगेज, जैसे आप स्कूल में वो बस्ता लेके जा रहे हो जो किताबें उस दिन पढ़ी नहीं रहती, तो वही चीज तो तुम्हें बताई थी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इधर, अगर ऐसा होगा तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख के बता, नो चार्ज सेपरेशन, एंड ध्यान से देख, इक्विवेलेंट के नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर, क्योंकि हम अब आपको इसका इक्विलिब्रियम दिखाने वाले हैं, इसको थ्री बोल देता हूं, सिर्फ आपने और आपके बीच में, इसको फोर बोल देता हूं, वन और थ्री में से कौन ज्यादा स्टेबल, सर थ्री, वेरी गुड, ये रीजन जो आपने कहा, नो चार्ज सेपरेशन एंड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट याद, ठीक है बेटे, अभी वापस आऊंगा, अभी वापस आऊंगा, कोई चीज सिखाने, ये तो अगले पेज पे बनाई गया था, अभी अब दूसरी चीज, दूसरा
equivalent structures are so stabilizing that they win our more number of resonating structure. RS का मतलब क्या बेटे? Resonating structure. That is, अगर innate ion के five resonating structure थे, याद आ गया? पिछले पेज पर भी किया था. Innate ion के कितने resonating structure थे? Five. है? Innate ion के पांच resonating structure. And RCO negative के कितने resonating structure हैं? Two resonating. Two. ये क्या है बेटे? Non-equivalent. और ये क्या है? Equivalent. Nandini Ratan, which is going to be more stable, Dolly? Two resonating structures wala. बिल्कुल. Because Bindal क्योंकि equivalent है. No charge separation is there. Yeah, that is always going to be. अब मैं चला अगला डिस्कशन करते हैं. That is between phenol and किसमें carboxylic acid. हम आपसे different different चीजों को डिस्कशन कराते हैं. क्या ये समझ आया? अभी अभी बिंदल ने हमारे से बात किया, ठीक है ना? अभी अभी आपसे पूछा तो मेरा काम तो रेपिटेशन करवाने का है. Which is going to be more stable? This is going to be better? More stable. Because क्या कारण था जी? Equivalent and no charge separation. Charge separation तो इसमें भी नहीं थी. Charge separation तो दोस्त, एक मिनट वापस आते हैं 19 नंबर पेज पे. जितना repetition करेगा, charge separation तो इसमें भी नहीं थी राजा, ना? Yes sir. चार सेपरेशन तो इसमें भी नहीं थी. तो ये बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेंस में आपको एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, द मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी. हियर इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू दैट व्हाई दिस इज गोइंग टू बी मोर stable, right? So carboxylate ion is going to be more stable because of equivalent structure. So phenol versus carboxylic acid mein kya aap log isko samajh paoge? Phenol ke panch non-equivalent resonating structure, that is going to be more stable because isme charge separation hoti thi. There is no charge. इसमें भी चार सेपरेशन होती थी और इसमें देयर इज नो चार सेपरेशन. तो दोनों का इक्विलिब्रियम कहां रह रहा है? फॉरवर्ड में. अब हमें डिसीजन लेना था पीनेट आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. तो कौन सी चीज उठ के आगे आई? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीत गया. सो फिनोल इज लेस एसिडिक देन बच्चों द कार्बोक्सिलिक एसिड. फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये बेदी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्टेबल देन फिनोल इन स्पाइट ऑफ the phenate ion having more resonating structure then iska naam kya bete? Repeat karo. AnO8 ion iska naam kya tha? Phenate or phenate ion. Phenoxide ion. Phenoxide. Phenoxide. Answer aata hai na Vedi? सिर्फ एक वर्ड आएगा. क्या चीज बढ़िया? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है आपकी.
वेदी मैं चाहता हूं आप लोग रफ में फाइनल नोट्स तो बाद में बनाएंगे, एक अपने पेज के ऊपर ये डाटा लिखें भैया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आइडिया इज रिपीट, तो इसको कॉपी कर शेर खान, दिस इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। हो गया ये पूरा सीक्वेंस, तो एक बार पढ़ लेते हैं बच्चे। फॉर्मिक एसिड अभी कराता हूं, इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ये जो फिन बेंजोएट आयन होगा उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बने। रतन यहाँ पे जरा ज्यादा ध्यान करना, द किसके ऊपर बेटा, कार्बोनिक एसिड, राइट right? यहाँ पे ज्यादा ध्यान करना, अभी मेरे काम में आना है, आप खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। याद रखना गुड़िया, तू वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बना सकता, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बना सकता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर होगा एसिड वही तो प्रोटॉन लूज करेगा ना। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड खड़ा है तो प्रोटॉन किसने लूज करना है? नंदनी आई वॉन्ट यू पीपल टू यूज योर मेंटल कैमरा to click down the photograph of this thing. इसको अपनी objective book में भी first page के ऊपर लिख देना, और first page के ऊपर ना कंजूसों के जैसे लिखा करो। आप लोग notes कैसे बनाते हो नंदनी रतन, खुले खुले के उसको तंग करके छोटी handwriting में? सर जितने पेज हो सकता सारे कर लेते हैं, कंजूसों के जैसे बना पूरे, मतलब एक slide एक पेज ऐसे। नहीं बेटे, जब नोट्स बनाता है ना तो एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल, ताकि तेरी पूरी 2 साल की ऑर्गेनिक पोने रजिस्टर, अगर एक मोटा रजिस्टर है उसमें आए, तो ज्यादा खुला मत लिखा करो। चल बेटिया मेरे साथ पढ़, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इट इज अ इनऑर्गेनिक एसिड, फिनोल, वाटर, अल्कोहल, टर्मिनल अल्काइन, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, अमोनिया, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्कीन एंड क्या आता है, एल्केन, एंड दिस इज सन, व्हाट इज दैट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस तो कोट ही नहीं करते हैं। समझ आएगा बच्चे, आगे चलें? यस सर, श्योर लॉबी, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, हूएवर वांट्स टू टॉक विद मी प्लीज मोस्ट वेलकम टॉक, एंड मार्केट में अपना फायदा करने के लिए आपको खुद करवाना पड़ता है, राइट right? फायदा होगा आपकी मर्जी। देख बेटिया तेरे सामने आई एम जस्ट मतलब कोटिंग ऑल ऑफ यू, 3 फिनेट आए, तो ऐसा जब लिखते हैं ना इसका मतलब होता है सेंटर में से किसी के साथ भी ऑर्थोमेटा पैरा पे हो सकता है। एक लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, तो समझ आया मैंने ऑर्थोमेटा पैरा सब पे लगा दिया। जब ऐसा लिखते हैं तो ये किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, राइट right? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, ऐसा करेगा। तो अब आपके सामने 3 सिचुएशंस आंखों के आगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक, और रेजोनेंस में माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, जिससे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ईआरजी अगर तो इंडक्शन हुआ तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, गुड बिड, और अगर रेजोनेंस हुआ तो कौन सा इफेक्ट होगा, हांजी प्लस एम इफेक्ट होगा, रेजोनेंस में प्लस एम इफेक्ट होगा, तो उस वक्त आपका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, यू अंडरस्टैंड, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका इस ऑर्डर। तो इसका मतलब
अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं, फिनोल फिनोल एंड फिनोल, नंदनी इसके नोट्स बनाना है, शेर खान एक बार ई आर जी ग्रुप लगा देता है, एक बार इलेक्ट्रॉन और एक साइन उल्टा कर, अभी अभी ठीक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरफ खींचेगा, ग्रुप इधर देगा, है ना, तो ऐसे बना देता हूं। नंदन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करूँ? अच्छी चल रही है, क्योंकि भी फिजिक्स की क्लासेस हमारी थोड़ी दिनों के लिए बंद हुई हुई है ना, तो टाइम मिल गया है अपना बैकलॉग कवर करने का सारा। मेरे से कभी फोन पे बात करना, ठीक है? ओके। तो अगर बच्चा मैंने फोन नहीं उठाया तो दोबारा करना, क्योंकि अगर मेरी क्लास होगी तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, बट मेरे से बात करना, मेरे से पूछना कैसे तैयारी करनी है, तो मेरे को डिस्कस करना फायदा होगा बेटा। तो बुढ़िया तीन केस तेरे पास है, अभी भी कराया, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, तो विच इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक? Which is going to be most acidic? Right, sir? Am I audible? Which is going to be most acidic? तो acidic character इस तरफ आते हुए आपका क्या करेगा बढ़िया? बढ़ेगा। तो every electron withdrawing group is going to increase the acidic strength. Acidic strength. Electron withdrawing sahar increases acidic strength of phenol by stabilizing the phenate. Presence of electron releasing group decreases strength of phenols by destabilizing the phenate ion. So I hope I'm just repeating many number of times. That is the way we should be studying. So ERG EWG नीचे आते हुए the stability of phenate ion decreases or increases electron withdrawing, उल्टा साइन नहीं लिख दिया, increases, है ना सहर? देखना गुड़े, electron withdrawing electron density खींचेगा तो negative charge क्या होगा? कम होगा। आपके पास negative charge है तो मैं आपसे आपका बोझ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर negative charge कम होने से stability आएगी। आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी सन लीस्ट स्टेबल, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट, क्योंकि तीन है ना, तो मोस्ट स्टेबल, सो के ए इंक्रीजेस, पी के ए डिक्रीजेस। सहर बुढ़िया कोशिश कर, आपका फायदा होगा। ये जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, पहले मैंने गलती से उल्टा किया हुआ था, क्या ये सही है? क्या आप जैसे आज हमारे से डिस्कस कर रही थी, आप करेंगे? हाँ जी। बोल गुड़िया। बोलो। जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप से तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है फिनेट आयन की, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ये ऐड कर, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज, ठीक है? आपको कहना है इस एग्जांपल में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, दैट इज इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनेट आयन, एंड लास्ट वाले में, सबसे नीचे वाले में विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दैट डिक्रीजेस। अब दोबारा मेरे मन की तसल्ली सी हो जाएगी कि आपको आता है। बोलो। जो फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो दैट इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज, और जो एंड वाले में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनेट आयन है वो जैसे ही नीचे जाते हैं वो इंक्रीज करती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ गुड़िया क्वांटिटेटिव कैसे पकड़ता है?
के बढ़ने से और के कम होने से। के तो कम होने से। एक मिनट अभी, पेज नंबर कौन सा है? 27 याद रखना, अभी वापस आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है? तो हाँ जी, ऐसा हम आपको देंगे, ये देख एक फिनोल पकड़ ले, ठीक? फिनोल की 10 है, ठीक है? याद नहीं करना आपने। और नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, देख 7.2 हो गया। क्रिसॉल का मतलब होता है CH3 आ गया, तो इसकी 10.1। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? हाँ जी सर। तो ऐसा PKa, जितना PKa ग्रेटर द वीकर द एसिड एंड द वाइस वर्सा, करेक्ट डियर? वापस आएंगे, ओके सर। अब सही जगह नहीं आई, गुड, बहुत अच्छा। तो कीप ऑन टॉकिंग, जहां तक मैं तो टीचर हूं, मैं आपको और तो कुछ दे नहीं सकता हूं सिवाय एक सपने के, सिवाय एक कैरियर के, सिवाय एक ट्रेनिंग के। आई कांट गिव यू एनीथिंग एल्स, बट डेफिनेटली व्हाट एवर इज इन माय रिसोर्स आई विल, मतलब यू विल बी बेनिफिटेड हियर। फॉर रेजोनेंस, दिस इज अ प्राइमरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? प्लेनैरिटी इज मस्ट। इफ प्लेनैरिटी इज नॉट देयर, there is going to be no resonance, there is going to be no resonance। से ऐसे ही आपको समझाने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, तो आई होप यस, देखो जस्ट आपको समझाने के लिए, दिस इज दीदी ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है? जस्ट प्लेनर, प्लेन समझता है ना, ऐसे आपकी दो चपातियों के बीच में, आपकी किताब के बीच जो आ रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है। दिस इज गोइंग टू बी नॉन यस प्लेनर। सर। तो नॉन प्लेनर में रेजोनेंस मूव नहीं कर सकती है। आपको समझाने के लिए मैंने मॉलिक्यूल्स का लिया था। अब देख बिटिया, अगर ये वाला ग्रुप CO sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 का मतलब समझ आया? ये एटम एक प्लेन में है। प्लीज रिपीट करता हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 है। sp2 का मतलब क्या होगा कि दिस कार्बन टेनर और उसके आसपास ये वाला कार्बन, ये काले वाला है, ठीक है? ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, जो मैं सिंबल आपको दिखा रहा हूं, ये सारे किसमें है? प्लेन में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेंजीन रिंग है, इससे कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज गोइंग टू मूव ऊपर। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, हियर रेजोनेंस विल मूव ऑन द होल रिंग, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्मड। एक बार आपसे दोबारा बना देता हूं, सो जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी कम होती है। तो ये देखिए बेटे, हम बेंजोएट आयन के ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक दो बना दूंगा ताकि हमारा बात भी चलती रहे। दिस इज CO-, दिस इज CD। क्या बोला आपने कि ये प्लेन में है? अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पे कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस आई इफेक्ट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां जाता है? कार्बन की ओर। और हमारे पास इधर जी क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। किसका नुकसान हो गया? इधर। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्तिक यहाँ पे चल जाता है दोस्त, तो दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज गोइंग टू हैव, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया बेटा, ठीक है ना? तो ऐसे ही अब आपको पता है क्या होगा, ये इधर मूव करेगा। अर्शी समझ गया? ठीक है, इधर यस बाकी सब कुछ तो गुड़िया सेम ही है, ऐसा एंड सो ऑन। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज, यू विल गेट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो यस और नो। यस सर। अरे वाह नंदनी दीदी, और नंदनी दीदी दिस विल बी इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट?
नॉन इक्विवेलेंट। वेरी गुड, अच्छा बोला। आशिल ध्यान से देख क्या बोल रहा हूं। इफ बाय एनी मींस वी सी, कोई बात नहीं आज इसको करती रहे, वो जो प्रॉब्लम है निकल जाएगी। सम इम्पेडेंस इज देयर, वी मेक सीओ ए मूव आउट ऑफ प्लेन, डॉली वी मेक इट मूव आउट ऑफ प्लेन, यू अंडरस्टैंड, तो क्या होगा? ठीक, ये ऐसा था, मैं इसको ऐसा बना दू किसी तरीके से, अभी बताता हूं कैसे करूंगा। तो तेरे पास ओ सॉरी बेटे यहां पे ओ एच आ गए, ठीक है। तो बहना यहां पे जो सी ओ नेगेटिव बनेगा, ये भी आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अब दीदी जो आपकी रेजोनेंस होगी वो सिर्फ कहां मूव करेगी? बेदी समझा, द रेजोनेंस विल मूव हियर, व्हाई? इसका मतलब समझ आया, दिस हैज गॉन आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, यस सर। कंप्यूटर के टॉप के ऊपर या आपके फोन के टॉप के ऊपर आपने एक झंडा खड़ा किया हुआ था जो उसी प्लेन में था, नाउ इट हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ द प्लेन, तो रेजोनेंस विल ट्रेवल डॉली सिर्फ हियर। अगर ऐसा होता है तो देख मैं क्या करने वाला हूं, इधर देख बेदी, तो इसके रेजोनेटिंग डायग्राम बनाए बेटे। तो अब रेजोनेंस नीचे तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि इसको तो तुम बाहर निकाल लिया, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, दैट इफ दिस गोज आउट ऑफ द प्लेन देन वी विल हैव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, yes but those are equivalent structure। situation b, aur pichle page pe banaya tha situation a, which is going to be more stabilizing, situation b is going to be more stabilizing, there comes a very important effect that is known as ortho effect। if any group ERG or electron withdrawing group is present at ortho position, meri chemistry nahi hai na hi meri nature hai, hum aur aap to usko seekh rahe hain, so ortho pe, with respect to benzoic acid the benzoic group will go, I'm sorry, the carboxylic group will go out of the plane of the benzene ring and resonance will be present in CO, ऊपर रह जाएगी, forming highly stabilized equivalent resonating structures, highly stabilized equivalent resonating structure, for example, yes sir, जोन सा मर्जी ग्रुप लगा दे, I repeat, it is not necessarily electron withdrawing or the releasing group, it can be both, जैसे ही ये आएगा इसको स्टीरिक फैक्टर्स ले, इसको प्लेन निकाला मिल जाएगा, दिस विल गो आउट ऑफ द प्लेन। नाउ अगर ये प्लेन में था तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे? पांच, और अगर ये प्लेन से बाहर है तो ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देयरफॉर इफ आई वॉन्ट यू टू कंपेयर द कार्बोक्सिलेट आयन having five resonating structure with this type of situation having two resonating structure, which is going to be more stable, second wala ortho substituted benzoic acid, samjha, right? Yes sir. This is much more acidic, that is known as ortho effect, that is any group बता ईआरजी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट
ऑर्थो पोजिशन, बेंजोइक एसिड मेक्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड जब तक तेरा माइक चल रहा है फटाफट बात कर ले है ना, फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है, मुझे बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में क्यों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक? चल उधर सुधर, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो, स्टेरिक फैक्टर की वजह से वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा COOH वाला ग्रुप। तो अगर आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा तो उसके दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ द प्लेन ही घूमता है। तो इसमें ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए करा रहा हूँ कि किसके लिए करा रहा हूँ? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए करा रहा हूं, सिर्फ किसके लिए करा रहा हूं? द बेंजोइक एसिड के, ये सिर्फ आपको करवाया जा रहा है, ठीक है? गुड, ये अब इन अ गुड वे। तो एक सेकेंड, अरे इसको शिफ्ट करना था, राइट? सो आगे चल सकते हैं। एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is going to be, yes bitiya, more stable acid, theek hai ji? Chalo shabash, dekhte hain aage kya aa raha hai. To ek second, ye relative strength of hydroxy benzoic acid due to ortho effect jo aapne abhi mujhe karaya usi ki baat kar raha hu. The ortho benzoic acid is always going to be the most stronger acid. Now which group has plus R and minus weak effect? Aata nahi aata? Abhi aata ki nahi aata? Nahi aata to mere se puchna. Achhi aata ki nahi? Ach, ye maine kya kaha? To maine Nandini Ratan aapse piche koi baat ki gudiya? अगर नहीं आता है तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे से बात किया जाए। ये देखो, ये अगर OH लगा है, OH आपको याद है, इट वाज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू, पढ़ के बता नंदन। इंडक्टिव इफेक्ट सर, इंडक्टिव इफेक्ट सर, वेरी गुड। एंड इट वाज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप due to plus effect, resonance, M effect. तो इसका दूसरा नाम कौन सा होता है गुड़े? Mesomeric effect. ये एक दो क्लासेस पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल क्लोरो हुआ, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या बोलेगा? माइनस आई। और क्या बोलेगा? प्लस इफेक्ट, प्लस M. ये लिखा बेटे मैंने वहां पे एट पैरा पोजीशन। ऑर्थो तो हो गया, ऑर्थो तो अभी अभी हमें ये किसने बताया था, ये बेदी ने बताया था, ऑर्थो वाला तो OH हमेशा ही आएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कौन सा इफेक्ट वाला, द मेटा और पैरा पे लेके जाने वाला। एट पैरा पोजीशन द OH ग्रुप एक्सर्ट इट्स स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट and hence para hydroxy benzoic acid is a weaker acid than benzoic acid. अरे पीछे अभी हमें सहर सैनी ने बताया नहीं था कि अगर कोई ERG ग्रुप लगेगा तो वो उसको क्या करेगा बहन? Less acidic नहीं बनाएगा। At meta position, OH group exert its plus R effect, but cannot exert as plus R effect, but can only exert minus R effect. Therefore, meta hydroxybenzoic acid is stronger acid than benzoic acid.
यहाँ पे जो लिखा गया है उससे ज्यादा अगर कोई समझना चाहता है तो अनम्यूट करो और मेरे से बात करो। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि तुम्हें आता है, राइट? देन आई कैन मूव अहेड। नो क्वेश्चन इज कमिंग, विदिस का मतलब विदिस समझ आ गया इसका? सर समझा दो फिर से। सर लास्ट सेंटेंस फिर से। तो यही तो मैं सर पूछ रहा था। नताशा ले बिटिया अभी समझाता हूँ। से नताशा, नताशा इसलिए यस सर। बिटिया। वेरी गुड सर। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके मन में क्या है? तो ये बेंजोइक एसिड की बात ही कर रहा था ना हम पीछे। हाँ, द बेंजोइक एसिड। आप इसको बेंजोइक एसिड कह दीजिए या आप इसको फिनोल कह दीजिए। नताशा, अगर मैं ऑर्थो पर हिंदी लिखूं, थोड़ी सी नताशा मिलके लिखते हैं, ओएच लगाएं, यस सर, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डॉली मोस्ट एसिडिक। तो इसको नो डाउट है ना? यस सर। अभी अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया, पता नहीं किसने बताया था, कि OH का दो प्रकार के इफेक्ट आते हैं। यहाँ पे था एक वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस पे और एक प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। अब मुझे बता बेटिया, मेटा पर, मेटा पोजीशन पर क्या द रेजोनेंस इफेक्ट आता है कि नहीं आता? नहीं आता। 50 बार मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी? वरना मैं पूछता रहूंगा जब तक आप गलत बोलते रहेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट अबे नहीं आता है। तो इसका मतलब अगर मैं मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ओएच लगाऊंगा तो क्या करेगा? खींचेगा ना? यस सर। खींचेगा तो उसको क्या करेगा बहन? ज्यादा एसिडिक बनाएगा। सो यहां पे ओएच इज गोइंग टू एक्ट एज, हाँ जी डॉली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस सर। सर ऑर्थो, ऑर्थो पैरा पे नहीं होता रेजोनेंस इफेक्ट? हाँ हाँ होता है, बट ऑर्थो भी जीत गया, अब पैरा की बात करूंगा। ऑर्थो तो ओके सर, सबसे ऊपर आ गया ना, अब मैंने मेटा कर दिया, अब पैरा रह गया। अब पैरा पर हिंदी भी साथ में कर रहा हूँ, इंप्रेशन मार रहा हूँ कि मेरे को हिंदी आती है। पैरा पर राइट OH का कौन सा आएगा इलेक्ट्रॉन? हाँ जी डॉली, रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट इज गोइंग टू बी प्लस एम इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया था इज गोइंग टू मेक इट लेस एसिडिक। तो यहां पे इसका कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस एम इफेक्ट। तो गुड़िया इसका एसिडिक ऑर्डर समझ आया? यस सर। झिझक मत, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो यहां से समझ के चल हमेशा के लिए समझ ले, या यहाँ पे रट्टा मार के चल और वहां पे एग्जाम में जाके थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो तुम्हें पता -5 नंबर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। चल नताशा अपनी लैंग्वेज में समझा, जहां कहीं पे भी मुझे गलती लगी मैं समझाऊंगा बेटा। सर जब आपने पीछे समझाया थोड़ा नेट कनेक्शन स्लो हो गया था इसलिए वो समझ नहीं आया जो पीछे समझाया था आपने, दोबारा समझा देता इससे हूं। पहले मैं सारा समझा देता हूँ। देख OH विभीषण है, विभीषण क्यों है? ये अगर तो ये मेटा पोजीशन पे लगाओ रेजोनेंस दिखा नहीं सकता, ठीक? तो मेटा पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करता है, तो ये वो ज्यादा एसिडिक बना देगा। बट यहां पे जब OH लगेगा ये COH को प्लेन से बाहर निकाल देगा, तो यहां पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मैं आपसे पूछता हूं व्हाई मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड? थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं।
सर क्योंकि मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप बिहेव करता है इसलिए। ठीक बोल रहे हैं, मेटा पे। और ऑर्थो पे क्या होता है? रिलीजिंग ना, ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? द सी ओ एच एस ग्रुप इज नॉक्ड आउट ऑफ द प्ले। तो यस सर। यहां दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पांच नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सा बेंजोएट आयन ज्यादा स्टेबल होगा? अगले वाला यस सर। एक बार आज से भी सुन लेते हैं आज। चल कोशिश कर, चिंता मत कर, अगर डिस्टर्बेंस भी मैं अपने आप म्यूट कर दूंगा। यू प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यस अर्श, अर्श माइक वर्किंग है? वेदी तुम कवर कर लो उसको, उसके शायद माइक वर्किंग नहीं है अभी। वेदी का भी माइक वर्किंग नहीं है, छोड़ देते हैं गुड़िया। तो अब इधर आ जा, इधर सीओएच और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको ज्यादा एसिडिक नहीं बना देगा, यस सर। और इधर दिस ओ एच इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो जो यहां पे नेगेटिव चार्ज आना था वो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक, यस हेंस सर। आपको ये लिखा है। यहां पे तो दो लाइनों में लिखा गया है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। अब एक बार दोबारा देख, समझाने की कोशिश कर। सर ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट इफेक्ट होता है इसको इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। फ्री और और इसको बोल देते हैं, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ सर फर्स्ट में ऑर्थो इफेक्ट है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है, और सेकंड में मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप बिहेव करता है इसलिए वो थोड़ा कम एसिडिक है, और जो फोर्थ में वो रिलीजिंग ग्रुप बिहेव करता है इसलिए सबसे कम एसिडिक है। शाबाश, अब तेरे को समझ आ गया डॉली, गुड क्लियर, आगे चल सकता हूँ। यस ठीक, सर। असल आप भी कहेंगे कि हम फिनोल पढ़ा रहे थे, बीच में बेंजोइक एसिड क्यों आ गया? आप इधर से देखो तो फिनोल ही तो है, ठीक है ना? ये फिनोल में आ गया, उधर से सर। हम एसिड को कवर कर दिया। अब वही चीज समझा, राइट? अब ऑर्थो इफेक्ट यस खत्म हो, अब ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो गया, राइट? ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो गया। तो एक मिनट गुड़िया, एक सेकेंड बेटा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, फिर वापस आ जाएंगे उसके ऊपर। आपने कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुनी है ना? यस सर। तो ये देख, ये फिनोल है और बहना ये फिनोल है। इधर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ऑर्थो पे नाइट्रो, और इधर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है बेटा? देख, यस सर। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मानता है कि नहीं मानता? एक बात यस सर। बता, ये मेरी मुट्ठी में हाइड्रोजन है, अगर ये मैं स्लो छोड़ू या ना छोड़ू तो मैं कम एसिडिक बन जाऊंगा, यस अगर मैं सर। इसे आसानी से छोड़ दूं तो मैं ज्यादा एसिडिक बन जाऊंगा। जितनी आसानी से ये प्रोटॉन निकलेगा मैं उतनी ज्यादा क्या बनूंगा? एसिडिक बनूंगा। अब इजी बनाने की कोशिश करो, अगर मुझे जुकाम हो जाए तो मैं अपना रुमाल तो अपनी तरफ खींच के रखूंगा, इसके गिरने के चांसेस नहीं है। यस सर। सो जुकाम आने पे यहां पे कुछ ऐसा फिनोमिना होगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा, यस ये मैं सर। समझाने के लिए ये एग्जाम्पल कभी तुम भूलोगे नहीं। अब यहां पे डॉली कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रोटॉन को इसने पकड़ लिया, इधर यस तो सर। ऐसी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ए पैरा और बी ऑर्थो में से कौन एच प्लस आसानी से रिलीज करेगा? ए वेरी राइट, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। तो अब क्या ये समझ आया?
why सर पैरा इज मोर एसिडिक देन दैट. तुम कर यस रहे हो, सर तुम मैं से बात कर रहे हो तो तुम, मैं नहीं कर रहा हूं, सच में ऑनेस्टी से बोल रहा हूं. एक्चुअली ये नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग भी है. नाइट्रो यस सर फ्रॉम विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इंडक्शन से देख ले या रेजोनेंस से देख ले. अब नाइट्रो जनाब अगर मेटा पे बैठे होंगे तो वो सिर्फ क्या एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होता है, मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट आता है. तो तू समझा माइनस आई से करेगा तो इसका yes, खींचू इफेक्ट कम होगा इसके और इसके मुकाबले. तो मेटा वाला इज लेस एसिडिक देन ईदर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा. फिनोल के ऊपर तो फिनोल आ ही नहीं रहा है. नताशा यस सर वही जैसे मैं बोलता हूँ, तेरे पास दो रास्ते हैं बेटे, तो या रट ले या समझ ले. तो अगर समझने की कोशिश करेगा तो मेरे को एक बार दोबारा बताने की कोशिश कर और सुन. पेज नंबर 39 पे वापस आता हूँ. यू हैव टू ऑप्शंस, इधर द वैल्यूज आर गिवन क्रैम इट अप और आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज मेरे साथ बात कर, वरना रट लेना. बातें तो दोनों ही हो सकती है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आया है तो प्लीज मेरा साथ दे. चल बोर्ड के yes. सामने बोर्ड पे लेफ्ट से राइट एसिडिक करेक्टर बढ़ता हुआ, के ए बढ़ता हुआ, पी के घटता हुआ, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता हुआ दिखाया जा रहा है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? एक एक इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर एक्सप्लेन कर बेटे. सर फोर में फर्स्ट में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया तो वो सबसे कम एसिडिक होगा. अरे शाबाश, और और सेकंड में मेटा पे लगाया तो उसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा. और थर्ड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसलिए वो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होगा इसलिए वो कम एसिडिक होगा. और फोर्थ में वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. अरे वाह, बिल्कुल ठीक बोल रहा. तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, समझ गया. तो इसका मतलब आप बिल्कुल इसको समझ जाएंगे. सो यू हैव अंडरस्टूड बेटे. सो दिस इज फॉर यू. व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल. थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता बेटा, इनिशिएटिव, तो उससे तुम समझ सकते हो. चल बहना अब इसको भी खत्म करते हैं, सारा एसिडिक ग्रुप तेरे नाम कर देते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी CH3. तो इस ऑर्थो इफेक्ट याद रखना, लॉक करना, या बेंजोइक एसिड में आएगा या एनिलीन में आएगा. ऑर्थो इफेक्ट और कहीं नहीं आता है. सो इधर दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. मेटा पे इसने कोई रिलीज करना नहीं, मेटा पे इसने रिलीज नहीं करना क्योंकि रिलीजिंग तो ये ऑर्थो और पैरा पे होगा. ठीक है, यहां आप कह सकते हो यहां पे ये रेजोनेंस yes, शो करेगा कि यहां पे ये रेजोनेंस शो करेगा. तो दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक बिकॉज इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी गलती से बोल गया, रिलीजिंग ग्रुप एक्ट कर रहा है. तो नाम क्या है? क्रिसॉल, metacrisol. And phenol, the phenol is going to be more anji acidic because this is acidic. Releasing more acidic, sorry. तो इसका pKa सबसे कम है. ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे कोई हमें एक्सपेरिमेंटली फर्क नहीं पाया गया है तो ये इक्वल एसिडिक पाए गए हैं. इनको कॉपी कर लेना डियर, ठीक, इनको कॉपी कर लेना क्योंकि yes, sir. आती है वो सिर्फ ये टेबल देती है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द एसिडिक इफेक्ट. यहाँ पे हमारे पास ये आता है, एनसीईआरटी सिर्फ ये डाटा देके आगे चल जाती है. ऑर्थो मेटा नाइट्रो में ऑर्थो इज गोइंग टू बी, एक मिनट आपका ये खराब नहीं करता हूं तो इसको डुप्लीकेट कर देता हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी डॉली मोर एसिडिक होगा. This is going to be less acidic होगा. This is going to be even lesser acidic होगा.
विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल विच इज गोइंग टू बी क्या होगा लीस्ट एसिडिक होगा. थोड़े समय पहले लीस्ट एसिडिक एक्सप्लेन किया था राइट. अब फिनॉल की भी बात कर yes, ले हम ग्लिसरॉल की. इसमें से आपका मेटा होगा दैट इज गोइंग टू क्या होगा मोस्ट एसिडिक होगा और ये दोनों आपके पास तकरीबन क्या हो जाएंगे इक्वल एसिडिक होंगे. आई एम सॉरी दिस इज गोइंग टू बी ये हमने इसको मोर लिख देते हैं एंड फिनोल इज गोइंग टू बी क्या होगा मोस्ट एसिडिक होगा. ये पीछे एक्सप्लेन किया गया था. और द इथेनॉल इज गोइंग टू बी वेरी लेस एसिडिक एज कंपेयर टू दिस. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स अर्लियर. डोंट फॉरगेट टू कॉपी ऑल दीज थिंग्स. दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. शाबाश पुत्र. सो इफ एनीवन वांट टू डू दिस क्वेश्चन प्लीज हेल्प मी. First you people do that, then I will be trying it. Then whoever has done, discuss with me. Increasing order of acidic strength. Anyone can jump in the discussion. ME Sahar Indal koi baat nahi. So this is the answer written. So you please see that we have just done it. Electron withdrawing group are going to make it more acidic. Right? So ab hum aage badhenge. So thode samay pehle रतन आपको कहा गया था फॉर्मिक एसिड पे जरा ध्यान देना. गलती से बोल गया गुड़िया कार्बोनिक एसिड. द कार्बोनिक एसिड इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड बट मोर एसिडिक देन फिनोल वाटर एंड अल्कोहल. दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर. सो अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया इसको आई फ्रेंडली बनाने का. अल्कोहल्स फिनोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड acidic character increases. So litmus test metals sodium potassium ke saath metal hydride NaOH and sodium bicarbonate yahan pe ye miss ho gaya abhi dal deta hu. So this is going to be or sodium carbonate. See alcohols do not gives litmus test. बिकॉज जब वॉटर लिटमस टेस्ट नहीं देता है अल्कोहल्स आर इवन लेस एसिडिक. दैट इज वाई अल्कोहल्स आर गोइंग टू बी न्यूट्रल कंपाउंड आप ले लेते हैं. फिनोल्स गिव्स लिटमस टेस्ट. व्हाट इज लिटमस टेस्ट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. कार्बोक्सिलिक एसिड शो लिटमस टेस्ट विद मेटल ROH रेड टू फॉर्म RONA plus hydrogen. This also produces hydrogen that you people have discussed in the electrochemistry. This is going to form the sodium salt. Tino metal ke saath react kar rahe hain. Metal kaun se honge? Electropositive jinka standard electro potential is negative hoga. Metal hydride sodium hydride potassium hydride cesium hydride they react similarly to produce hydrogen. With NaOH, alcohols do not react. It is important. That is why tumne alcohols ko NaOH ke andar dissolve kiya tha. Ya vice versa, NaOH ko alcohol ke andar dissolve kiya tha. Aap logon ne alcoholic KOH dekha tha. Phenol react with NaOH. Carboxylic acid react with NaOH. With sodium bicarbonate or sodium carbonate, alcohols and phenols do not react, whereas carboxylic acid have been found to react with that. I'm going to stress why there is no reaction of alcohol and phenols with the sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate. Well, Didi,
कहां पे है? तो यस पर्ल, पर्ल देख, अगर मैं आर ओ एच लू मेरी और इसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट डालू, सपोज ये रिएक्शन होता, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस क्या मिलता? H2CO3। कोई मैंने बैलेंस नहीं किया, गलती से हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी पीछे जो तुम्हें एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से विच इज मोर एसिडिक बेटे, अल्कोहल्स और कार्बोनिक एसिड में से? कार्बोनिक एसिड। अरे सुरुचि की आज आवाज आई, सुरुचि शाबाश। अरे वाह सुरुचि, आज क्या किया है? माइक चल पड़ा। अरे वाह मेरे बेटे, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज वीकर एसिड, राइट? सुरुचि कैसे हो सकता था कि वीकर एसिड प्रोटॉन दे दे इस रिएक्शन के? तो फॉरवर्ड में होने की कोई टेंडेंसी नहीं है। रदर सुरुचि इस रिएक्शन को कहां होना चाहिए? बैकवर्ड में होना चाहिए। और सुरुचि अगर इसकी जगह पे डाली तो Na2CO3 डालता है तो भी वही चीज बनेगी, ठीक? दोनों यही बनाएगा। अब बिटिया मैं पेन चेंज कर रहा हूं और आप समझना, राइट? अगर मैं फिनोल से सेम रिएक्शन करता तो दोबारा वो लिस्ट देख के बता, फ्रॉम वीकर एसिड यू कैन नॉट प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर एसिड, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी व्हिच मस्ट लूज द प्रोटॉन, द प्रोडक्ट वाला स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। सुरुचि आज बहुत बढ़िया दिन है ना, तेरी आवाज सुनी, पता नहीं कितनी देर के बाद फोन पे तो सुनी बट ऐसे नहीं सुनी। तो गुड़िया ये देख, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है? हां जी सर। बाइकार्बोनेट डाल दे या सोडियम कार्बोनेट डाल दे, बस दोनों के मोल फर्क होंगे रिएक्शन में और कोई फर्क नहीं होगा। अभी भी क्या बनेगा? RCONA, साथ में क्या मिलेगा? H2CO3। वो लिस्ट देख के बता इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस इज द वीकर एसिड व्हिच मस्ट लूज अ प्रोटॉन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब समझ आया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट टू प्रोड्यूस व्हाट? एफर्वेसेंस ऑफ ये कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएं किसके साथ? बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ, हमें वहां पे एफर्वेसेंस होगी। आज एक काम करना, आप इनो को पानी में डालना, इनो तो उसमें सोडियम कार्बोनेट होगा जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वो उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बेटे ये क्वेश्चन समझ आया, व्हाई अल्कोहल फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट बट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट? आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, so stronger acid can produce the weaker acid. उल्टा नहीं हो सकता है, the weaker acid cannot produce this, so reaction can not happen. तो जो आपने सीखा, it will be used as a test for distinction between phenol and कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए मैं आपको इन दोनों के अंदर टेस्ट करने के लिए बोलता हूं कि मुझे बताओ कौन सा फिनोल है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप क्या करेंगे? इनके 2-4 ml एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, आप उसमें चावल के दाने के जितना सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। दोनों में सेम डाल सकता था, ओके मैं कंफ्यूजन में नहीं डालता हूं, दोनों में सेम चीज डाल। यहां पे देर विल बी नो रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन तो तुमने पढ़ा ही था, मेरी स्पेलिंग को मत देखना, पर सान्या सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। एफर्वेसेंस ऑफ CO2 विल बी देयर, सो दिस इज गोइंग टू बी द टेस्ट फॉर, हाँ जी, द कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गया? यस सर।
अब एक और, यस सर, तो एक चीज और, the phenols do not react. अभी भी आपने बताया ना कार्बोनिक एसिड और Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट अगर आप, मुझे लगता है शर्मा तेरे को इसका कॉमन नेम आता है, दिस इज अ पिक्रिक एसिड, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड. वाय बच्चों, नाइट्रो ग्रुप आ गए, तो अगर के ऊपर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट डालते हैं बेटे, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस ऑफ व्हाट, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड. सुनो, घबराना मत, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कार्बोनिक एसिड. अभी आने वाले समय में कराऊंगा, कार्बोनिक एसिड इज गोइंग टू बी वेरी वीक एसिड, और आपको वैसे भी शायद पता होगा एक कार्बन के ऊपर बड़े कम चांसेस हैं कि आपको स्टेबल कंपाउंड मिले, बड़े कम ऑप्शंस हैं. तो यहां पे प्रोटॉन निकल जाता है, ऐसा करने से तुम्हें नेगेटिव चार्ज नजर आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, एक मिनट, ये इधर गया और ये बाहर निकल जाता है, तो आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड. शर्मा जी, ये क्या आ गया, OH नेगेटिव, और ये क्या आ गया, H प्लस आ गया. गुड़िया, तेरे को क्या मिला, द वाटर इज गोइंग ऑब्टेन कार्बोनिक एसिड, अपने आप ये इस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू कर देता है. बेशक इसको कॉपी मत करना, बट दोज हु आर इंटेलिजेंट दे वांट टू लर्न समथिंग, बिकॉज दिस टाइप ऑफ थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म्स, सो दैट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट. समझ आओगे, और डिस्कशन को पूरे के पूरे को कॉपी करना, इट इज गोइंग टू पे यू, मैं बता रहा हूं, फायदा होगा. आगे चल रहे हैं जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स कॉन्टिन्यूएट. हमने अभी कौन सी बॉन्ड की क्लीवेज शुरू की हुई है, इस बॉन्ड की, और अभी हम किस प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं. अगर मैं एसिडिक प्रॉपर्टी को देखता हूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप क्लास 11 से देखते आ रहे हैं, एस्टेरिफिकेशन देखते हैं. यहां पे अश, इधर देख, सनी बात की है तो करते रह बेटे. तो ये सनी, आपका मन करेगा कि तुम एच इधर से दे दो, क्योंकि ये आपको ज्यादा एसिडिक नजर आएगा, और OH यहां से लोगे. बेटा याद रखना, कल भी शायद कि दिस इज गोइंग टू शो व्हाट, एस एन रिएक्शन. सनी याद आया वीडियो, दिस इज गोइंग टू शो एस एन रिएक्शन. गलती मत करना, OH हमेशा कहां से निकालना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से. और तेरे को क्या मिलेगा गुड़िया, आर सी ओ R डैश प्लस वाटर. ये अपने आप में ही ना सनी एक क्वेश्चन है, अपने आप में ही एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे पूछा था, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे आर सी ओ एच प्लस एच ओ आर फॉर्म्स. अभी देखना फर्क महसूस होगा, तो ये ऐसा ही देगा. देख अभी ये डिफरेंट रूप ले लेगा, आपको लग रहा होगा यहां तक कि मैं क्यों सेम चीज लिख रहा हूं. अब देखना अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाए. वन ऑप्शन इज, इसका मतलब क्या होता है, हमने लेबलिंग कर दी. आपकी जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन थी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई गई, एक इधर पाई गई. सो उन्होंने पूछा ए और बी में से कौन सा ट्रू है, ए और बी में से कौन सा ट्रू है. सैनी कोशिश करेगा, गलती की कोई प्रॉब्लम नहीं बिटिया, गलती मेरी है, आप सिर्फ कोशिश करिएगा. तो अगर आप पूछेंगे तो डेफिनेटली
आप 15 साल के बाद ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहां पे आई विल बी प्राउड ऑफ यू दैट कभी तुम थोड़े समय के लिए मेरे साथ था। हाँ सैनी, सोच, मैं करवाऊंगा, चिंता मत कर। देख सैनी, इसकी फर्स्ट तरफ डली रिएक्शन होगा, ठीक है जी? इसकी तरफ से क्या होगा? एस एन रिएक्शन होगा। तो याद रखना, राइट, ओ एच सदा किससे जाएगा? एसिड से। तो ओ बिटिया, मैंने वहां पे वो गड़बड़ कर दी, मैं वहां पे, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मैंने ना वाटर बनाना था, मैंने ये अभी ठीक कर रहा हूं, ठीक है ना? ये ठीक हो गया अब, बिल्कुल ये वाटर बनाना था डॉलर। तो आपकी रेडियो सेकंड एक्टिविटी, पार्ट हाँ समझा साहब? जी सर वाई गुड, बिकॉज एस्टरिफिकेशन इज, हाँ जी, एसन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए एंड सर एसिडिक रिएक्शन ऑफ, पढ़ के बता, ROH। अल्कोहल तो OH सदा कहां से जाएगा? इट विल गो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट इज व्हाई आई हैव स्पेस। सेकेंड बात, इकलव्य रिएक्शन का मतलब यील्ड तो जनरेट होती नहीं है, तो हमें इस वाटर को ली शैटलियर प्रिंसिपल, आपको क्लास 11th में थोड़ा सा याद होगा, अगर आप वाटर को रिमूव करते रहेंगे तो रिएक्शन कहाँ भागता रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागता रहेगा। कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड विच कैन बी ईदर HCl गैस और सल्फ्यूरिक एसिड। एज द साइज ऑफ आर हेयर और हेयर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे आपको एक सोफे के ऊपर 6-7 लोगों के साथ बैठना प्रॉब्लम लगता है, वैसे इनको भी लगता है। अगर HCl गैस यूज करेगा गुड़िया, तो उसको फिजर स्पायर एस्टेरिफिकेशन बोलता है, फिजर स्पायर एस्टेरिफिकेशन बोलता है, ठीक है बेटे? तो एक सेकेंड देखिएगा, समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू कम, बी विद मी। सर, हाँ बोलो बच्चे। सर 55 नंबर स्लाइड पे हाँ RCOOR हाँ बेटा, आना था वो ना, यहाँ पे H लिखा ना। मैंने वो ठीक नहीं किया, थैंक यू बिंदा। तो एक ना कलकत्ता की लड़की है, तो स्नेहा उसका नाम है, तो मैं जब थोड़ी सी भी कुछ ऐसी मिस मारता हूँ ना, सबसे पहले पकड़, जब वो क्लास में होती है तो आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड कि वो कुछ भी ऐसा अगर मिस होगा तो वो पकड़ लेगी, स्नेहा केडिया। तो कार्तिक, दिस इज ऑलवेज अ गुड हैबिट, दैट मींस यू आर ऑलवेज मेंटली प्रेजेंट विथ मी, दैट्स वेरी गुड बेटे, गुड। एस्टर्स बनते हैं, राइट, दैट इज व्हाई इसको बिंदल एस्टेरिफिकेशन बोलता था। बहुत बढ़िया बेटे, गुड, थैंक यू। सो बिंदल, बहुत अच्छा बिंदल, इसका मैकेनिज्म आपके CBSE के सिलेबस में है। मैकेनिज्म ओके कौन सर सा मैकेनिज्म कर रहा है मेरे दोस्त? आर ओ एच डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस एज कैटलिस्ट, तो क्या मिला विंदर सिंह? आर सी ओ सर आर डैश। आराम से, जब मैंने बोला कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो यू शुड बी डबली वरिड, कंपटीशंस में भी और इसमें भी, क्योंकि जब कंपटीशंस में आता है तो वो इतनी बारीकियां नहीं देखता है, वो आपको नॉलेज चेक करता है। जब अगर CBSE में आता है तो वो आपकी स्टेप्स चेक करता है। ओके सर तो दिस इज गोइंग टू अटैक एट ऑक्सीजन, राइट, एट ऑक्सीजन। सो दिस इज बिंदल, चेक करते रहना बेटा, है ना? तो यस सर ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दो मेरे भाई, इस नीचे वाले ओ एच को मैंने हाथ नहीं लगाया, समझ गया? यस सर अब दोस्त,
अटैक होता है अल्कोहल का, राइट? तो याद है एसिड और देयर डेरिवेटिव शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? कार्बन के ऊपर। हाँ जी सर। न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक करना है? कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक करना है? बिल्कुल सही बोला, कार्बन पे। बिल्कुल सही बोला बच्चा। तो ये कॉन्ट्रास्ट बनाने से ना ये हुआ। बिंदल मैं से ना फोन पे बात कर लिया अगर कभी कभार, सो मैं वो चीजें बता सकता हूँ जो आपको पता नहीं लगेंगी। तो देख भाई ये इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे दी। यस सर। ये पहले वाला था, ये वाला ऑक्सीजन। इस अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा मेरे दोस्त? पॉजिटिव चार्ज। अरे यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो मेरे पास आके खड़े हो गए, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो जी। मैंने कहा चल कोई नहीं, हमारे में बॉन्ड बन जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारी तरफ से आया है ना? यस सर। जो फॉर्मल चार्ज हम पिछले क्लास में आपको साइनाइड के केस से सिखा रहे थे। अब ये ऑक्सीजन गुस्से में है, ऑक्सीजन तो गुस्से में हो गई, ये तो पहलवान है हमारा। ये पहलवान है तो ये प्रोटॉन को लूज करता है, ठीक है ना? ये यस सर। R C O H RO and OH। अब एक कार्बन के ऊपर दो H, ये तो अनस्टेबिलिटी का कारण है। Yes, किसी तो होगा होगा। अब ये जो प्रोटॉन है तुम्हारा, यही वाला जो तुमने प्रोटॉन निकाला था, ये आके इस पे अटैक कर देता है दोस्त। तो अगर yes, आपको यहाँ पे दिखा दूं। यस सर। ठीक। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इधर आता है, तो चल भी वाटर तू बाहर। तो वाटर आ गया बाहर, ठीक है जी। और वाटर का जो OH था वो कहां से आया है? ये वाला। तभी तो जब हमने पीछे आपसे लेबलिंग में करवाया था। अब आपको इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज नजर आ रहा है? पॉजिटिव। प्रोटॉन वापस करने का समय आ गया। यस सर। माइनस प्रोटॉन, माइनस प्रोटॉन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन सन? दिस प्रोटॉन मूव्स आउट। अरे यार फिर उसके साथ चिपक गया, थोड़ा सा फर्क दिखाना चाहता। दिस प्रोटॉन मूव्स आउट और आपके ऊपर क्या आ गया है? एस्टर। This is important from theory point of view. अगर अकेले ऑब्जेक्टिव से होता तो मैं ज्यादा वरी ना करता। देख ले दोस्त, RCOH, प्रोटॉन का अटैक, इधर कहां गया? इधर क्या बना? OH। दूसरे स्टेप में अल्कोहल का अटैक। Alcohol is a weak nucleophile. It does not attack as such. It requires the proton. यहाँ पे अटैक आ गया, positive. The oxygen loses a proton, which protonate the OH. OH2 positive. यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, water बाहर, oxygen के ऊपर positive charge. Now this proton is going to move out and giving you what? The carboxylic acid. That is in your CBSE school syllabus के लिए ज़्यादा important होगा। Please don't forget it. तो अभी-अभी तुम लोगों ने क्या बोला था? Acid और their derivative क्या show करते हैं? हाँ जी, अगर किसी को याद हो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। बोलो, बोलो, बोलो। What is this? RO नेगेटिव, SN, ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं इसकी जगह पे Cl डाल दूं और डिट्टो सेम ड्रामेबाजी करूं, तो दोस्तों व्हाट विल बी ऑब्टेंड?
समझा? HCl इज द एसिड, तो मैं यहां पे HCl को निकालने के लिए कोई ऐसी चीज डाल दूंगा जो HCl से कंबाइन करेगी और इक्विलिब्रियम को कहां धक्का मारेगी, फॉरवर्ड में। आप चाहते तो आप यहां पे NOH भी डाल सकते थे, वो NOH HCl के साथ कंबाइन करके रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजेगा। रतन ये क्या बला ये है, ये क्या है, ग्लोइंग क्या है ये? एनहाइड्राइड वेरी गुड। तो इसके ऊपर भी सेम प्रोडक्ट आएगा जी वो और क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसयूएच। एसिड इन सारे रिएक्शन को गुड़िया क्या बोल सकता है, एस्टरीफिकेशन स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन? इवन सर ethyl halide, acid anhydride can also produce esters because all acid and derivative show, आपसे सुनना चाहता हूं, मेरे से एसएन पहले एसएन रिएक्शन, एसएन अगर मेरे साथ सीखता रहेगा ना तो ये तेरे 50-70 रिएक्शन को इकट्ठा कर देगा जिनको अदरवाइज तुम रट्टा मारोगे। ठीक है बहना? यस सर अब पहले करोगे तुम? सर ग्रिग्नर रीजन में क्या निकलता है? आर नेगेटिव दिस इज अ वेरी पावरफुल बेस। कह दे यस सर अल्कोहल क्या बनाता था, अल्कोहल। अब याद रखना ये भी एसिड है, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड यस था। सर आपका दिल कर रहा होगा इधर से एच निकाल लो, इधर से एच नहीं निकालना गुड़िया, यहां से क्या निकालना है, OH। एसिड की तरह एसन रिएक्शन है, क्या मिल जाएगा, आर ओ एन ओ। नाइट्रो ओ गुड सन। अभी अभी एक मिनट बताता हूँ, अगले पेज पे बताता हूँ। देख अभी अभी तुमने जो मेरे से बात की, ओ नाइट्रिक एसिड, नो ये तुमने, मैंने नाइट्रिक एसिड वैसे लिखा, क्या सिखाया था, एच इधर वाटर से जा, वाटर का रिमूवल नाइट्रो गुड। वाटर एस्टर्स बन जाएंगे दोबारा बोल, दोबारा बोल, नाइट्रो एस्टर्स बन जाएंगे कि इसको नाइट्रो एस्टर क्यों बोला बहना? NO2 की प्रेजेंस में ORC नो, साथ में अटैच होगा तो बिकॉज दिस हैज कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड, और जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते थे उनमें क्या होता था, कार्बन NO2 बॉन्ड। जो तुमने बोला ना ये आपका क्वेश्चन है, दीज आर नाइट्रो एस्टर्स। अब ये चीज देख, अल्कोहल के ऊपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा H2SO4, तो सहर ने तेरे को क्या बताया था, ऑक्सीजन इधर से H निकालना, क्या मिला, H R HSO4। दीज आर, पढ़ के बता, सल्फोनिक एस्टर्स दीज आर नॉट सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड क्या एस्टर होते हैं, आर एस ओ थ्री एच, दीज आर सल्फोनिक एसिड। एस्टर जल्दी इस रिएक्शन से आपको डायनामाइट बनाना सिखाऊंगा थियोरेटिकली, ठीक है? ओके डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर यस सर गुड। सो दिस विल बी नॉट डिस्कस्ड टुडे, दिस विल बी गोइंग इन द नेक्स्ट सेशन ओके विच हैपेंस ऑन 29 सैटरडे द 29th ऑफ अगस्त। अगस्त महीना आ गया ना, कितना ज्यादा काम का है। तो एक बार बस रिव्यू कर लूं, आज आपको क्या करवाया गया था, हमने एसिडिक प्रॉपर्टी शुरू की थी आज, है ना जी? सो मुझे समझ नहीं आया क्या बोला, तो
प्रॉपर्टी हमें वेरियस केसेस के अल्कोहल वर्सेस वाटर, वाटर इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, बट रिमेंबर मिथेनॉल इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन वाटर. एक्सेप्शंस आर नॉट कोटेड. 1 degree, 2 degree, 3 degree अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल्स में से द 1 degree अल्कोहल्स आर गोइंग टू बी मोर एसिडिक, राइट डॉली. एंड फिनोल्स और फिनेट में the phenate is going to be more stabilized. Alcohol or phenol may say the phenols are going to be more acidic because of no charge separation. We were discussing that equivalent structure are going to be highly stabilized. Therefore, agar main phenol versus carboxylic acid ko dekhta hun, to carboxylic acid is going to be more acidic in spite of having lesser resonating structure because of equivalent structure. इस डिस्कशन को कहीं अच्छी जगह पे रखना, बार बार यूज करना. ये शर्मा सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये बहुत जगह पे काम आएगा. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ईआरजी डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ बाय स्टेबलाइजिंग डीस्टेबलाइजिंग द फिनेट आयन. वी discuss the ortho effect only. If any group is present at ortho position, the COH, the benzoic acid, will going to be more acidic because of ortho effect, right? ये बेदी हसीनी इसको देख के, तो बेदी कुछ ग्रुप्स कुड़िया ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, वो कभी कभार इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं एंड The resonance भी शो करते हैं. Remember, resonance पे होने के लिए उसको जरूरी कहां पे होना चाहिएगा? The ortho and para position पे. आपने nitrophenol, benzoic acid, substituted hydroxy acid या phenols देखे. आपने cresols भी थोड़ी बहुत बात यहां पे की थी. ठीक है जी, ये क्वेश्चन तुम लोगों को आता था तो तुमने ये किया क्योंकि हम इसको पीछे कर चुके थे. रिमेंबर दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बनी इज हेयर टू रिमाइंड यू अबाउट दैट इंपॉर्टेंट. ये मैं सिंबल्स यहाँ कहीं पे जब ऐसे करता हूं तो कई इंपॉर्टेंट चीज के पीछे करता हूं. तो स्टार जो हम लगाते थे है ना, तो दिस अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट. Carboxylic acid will. That was something we have discussed. Esterification का mechanism आप लोगों ने मुझे बताया. Mechanism जरा ध्यान से देखेगा. और हमने carboxylic acid के अलावा अगर हम acid derivative भी होंगे तो भी हमने alcohol के साथ हम basically ये कर रहे थे. आने वाले समय में इसके ऊपर focus मारेंगे. We did this thing. Esterification same way. याद रखना inorganic acid में से water OH निकालना and alcohol में से H निकालना ये आपको सिखाया गया था. Then you must remember these are sulfonic esters. These are nitro esters. Do not call it nitro compounds. मत इनको बोलिएगा. So That is the agenda जो हमने आज की क्लास में डिस्कशन किया है. क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट. जरूरी है. ठीक है बच्चों, तो गुड लक. वी विल स्टॉप हियर एंड सी यू अगेन इस प्रॉपर्टी के साथ. तो टिल देन गुड लक. थैंक यू सर. सुना जाता है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बेटे. सी यू अगेन. थैंक यू सर. बाय नताशा. साइनिंग ऑफ बेटे. गुड लक.